भाई मेरे जो है कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं और 140 और 130 कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 60% से ज़्यादा जो सफ़र पूरा कर चुके हैं मदीना शरीफ का। उम्मीद है एक घंटे में यानी मगरिब तक इंशाल्लाह हम लोग मदीना शरीफ में पहुँच रहेंगे और इफ्तार इंशाल्लाह हरम में करेंगे। फजल भाई आराम से बैठे हुए ना, नींद आ रही है क्या भाई? सब सो जाए, रेहान भाई खाली आपको नहीं सुना। क्या आमिर भाई नींद आ रही है? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ये इलाका है, छोटा सा एक कस्बा एक बस्ती दिख रहा है यहाँ पे रास्ते में। सोसाइटी नहीं लग रहा है, छोटा मतलब बस्ती लग रहा है, देख रहे हैं। ये सामने खजूर की खेती है तो मैं एग्रीकल्चर में चला गया, लैंडस्केपिंग मतलब, वहाँ पे मैं खजूर खूब लगाता था। यहाँ से ये भाई पीछे राइट है, पीछे गाड़ी रहता है भाई। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का आधा सफर पूरा हो चुका है और अब हम लोग जो है पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल फिल करेंगे और इंशाल्लाह सर की नमाज भी इधर ही अदा करेंगे। यहाँ तो मस्जिद हर पेट्रोल पंप पे होना ये कंपलसरी है। अब अभी हम लोग जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल लेने के लिए और इंशाल्लाह यहीं पे जो है हम लोग असर की नमाज भी पढ़ेंगे, सामने मस्जिद है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मदीना शरीफ का सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। मदीना सिटी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना शरीफ में दाखिल हो चुके हैं। अब हरम शरीफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह खुशनुमा मंजर, मदीना शरीफ मगरिब होने वाली है, आधा घंटे का वक्त और रह गया इंशाल्लाह। अफ्तार का वक्त करीब है इंशाल्लाह, हरम हम लोग पहुंच जाएंगे मगरिब तक। अभी मगरिब में आधे घंटे का वक्त है, लेकिन अभी मदीना शरीफ में मैं ये देख रहा हूँ कि इसी वक्त से सारे शॉप के जो है शटर वो बंद हो रहे हैं। In 400 meters at the roundabout, take the first exit onto Khalid ibn Al Walid Road. अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ हम लोग पहुंच गए। पार्किंग में अभी हम लोग अपना कार पार्क कर लिया है, तो अब हम लोग हरम शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों माशाल्लाह आज खुशकिस्मती की बात मेरे लिए ये है कि अव्वल तो हरम शरीफ में मदीना शरीफ में ईद होगी और मेरे बड़े बहन भी आए हुए हैं, पीछे जो देख रहे हैं ये मेरे मंझले भाइयन हैं और मेरे बहनोई, मेरे दोस्त, और फिर जो है मेरे मामूजन भी आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह सारे लोग हम लोग जो है एक साथ कल ईद हरम शरीफ मदीना में करेंगे। ये मंजर मदीना शहर का, शाम होने वाली है मगरिब, पार्किंग में हज़ारों हज़ार की तादाद में जो गाड़ियां यहां पे आ चुकी हैं क्योंकि ईद का वक्त है, और पूरे अरब क्या पूरे जो है यहां पे जो गाड़ियां आप देख रहे हैं गल्फ से यानी GCC पूरे गल्फ कंट्री से यहाँ पे गाड़ी आई हुई होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ पहुँच चुके हैं, मस्जिदुल हरम मगरिब के वक्त का ये नज़ारा देखें आप। अफ्तार से 2 मिनट पहले हम लोग मतलब लेट हो गए, वरना हम लोग मस्जिद में दाखिल हो चुके होते। रास्ते में हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया, अभी बस
दाखिल होने वाले हैं। ये मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गेट नंबर 37, गेट नंबर 326 से हम लोग इधर दाखिल होंगे। मस्जिद नबी में दाखिल हो चुके हम लोग माशाल्लाह। ये भाई इनका दोस्तों, चूंकि रास्ते में हम लोग थे, अब हम लोग ये पहले वजू कर लेते हैं, वजू करने के बाद इंशाल्लाह रहमान फिर नमाज में जमात में शामिल हो जाएंगे। और अभी अफ्तार हो रहा है, सारे लोग माशाल्लाह अफ्तार में लगे हुए हैं। पूरा मंजर देखें अफ्तार का, लाखों लाख की तादाद में माशाल्लाह लोग अफ्तार में लगे हुए हैं। हम लोगों को चलते हुए रास्ते में जो है अफ्तार करना पड़ा, 2 मिनट के लिए हम लोगों का लेट हो गया मस्जिद में, वरना हम लोग भी अफ्तार के टाइम दाखिल हो जाते। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफ्तार चल रहा है, मैं भी यहाँ दाखिल हूँ। और क्योंकि वजू अब हम लोगों को करना होगा, इसीलिए वजू खाने की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। भाजन मेरे बाहर आ चुके हैं माशाल्लाह हरम से, ये मंजले भाजन। कैसा रहा भाजन आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह, सब ठीक रहा ना? टाइम हो जाए। हाँ जा रहे हैं हम लोग, एकदम हल्का अवतार हम लोग बहुत हल्का किया। हाँ। बस 2 मिनट चूक गया भाई, 2 मिनट हम लोग बाहर में करना पड़ा। यहाँ तो 4-5 दिन हमें चार्जिंग वाला प्रॉब्लम था मोबाइल का, और आज जब मामूजन के होटल में चार्ज करवाया, मामूजन भी आ गए ना। ये मेरे मंझले भाजन है, ये मेरे मंझले भाजन हुए, और ये बड़े भाजन है हमारे बॉस, ये बड़े भाजन, और ये मेरे बहनों साहब हैं। रेहान बैंक आपका वो केबल नहीं मिला केबल, और ये मेरे फजल भाई, मेरे दोस्त, मेरे कलीग सलाम। आमिर भाई वालेकुम अस्सलाम। अब हम लोग जो है, अब हम लोग पहले जो है खाना खाएंगे, क्योंकि अफ्तार के बाद हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है, बहुत लाइट अफ्तार भी किया था। तो अब पहले खाना खाने के लिए हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग नगेट लेने के लिए आए हुए हैं, नगेट ले रहे हैं यहाँ पे। ऑर्डर हो गया भाजन? भाजन ऑर्डर दे दिया है जी, कर ले।